हमारा जड़ा है ना, हमारे से कोई मदद करो, हमारा कमाने वाला कोई भी नहीं है। ये मेरे दो बच्चे हैं छोटे छोटे, ये कमाने वाले नहीं हैं, और ये मेरी बच्ची है, इसकी मैंने शादी करनी है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम मैं इसको अगले घर तोड़ो, हमारे कोई मदद करो। हमारे घर में भी बर्ती भी नहीं है, हमारा किचन भी नहीं है, हमारा कोई मदद करो जो हमारे कोई बरांडा बन जाए या कोई किचन बन जाए, और ये बच्ची की शादी हो जाए अच्छी सी थोड़ी सी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं हैं अल्लाह आपको खुश रखे, दुनिया और आखिरत की बनाई दी सनीता फरमाए। नाज़रीन मैं आगे बढ़ता हूँ, जिस फैमिली के पास मौजूद हूँ इनका गम इनकी सूरत-ए-हाल आपको इस वीडियो में पूरी मिल जाएगी। कितनी मुश्किल में है ये फैमिली, अल्लाह ताला इनके लिए सानिया पैदा करे। यकीन जाने कि मैं जब ये सूरत-ए-हाल आके यहाँ देखी सुनी, एक तो मुझे खुशी भी हुई है उस फैमिली पर जिन्होंने इनके साथ तावन किया है, प्लाट भी फराम किया, साथ साथ दो रूम भी बनवा के दिए, कुछ बर्ती डलवा के दी और चार दीवारी भी करा के दी चले अंदर बैठ सके। लेकिन इन्हें यहाँ बर्ती की काफ़ी ज़रूरत है, इसके पीछे यहाँ एक बरांडा टाइप निमा का बन जाए, किचन की ज़रूरत है लेकिन किचन की जगह वो बरांडा ही बन जाए तो इनका कुछ आसरा हो जाएगा, साथ साथ बरांडा भी बन जाएगा और किचन भी वहाँ बैठ के नीचे, जिस तरह इन्होंने टपरा टाइप का ये पीछे कैमरे में आप देख रहे हैं बना हुआ है, इसके नीचे बैठ कर अपना खाना शाना बना सकेंगे। इनके लिए आसानी हो जाएगी, बारिश से भी ताकत मिल सकेगा, धूप से भी महफूज रह सकेंगे। बाकी बाजी आपकी जो मसाइल है परेशानियाँ बताएं आप। परेशानी तो ये है जो हमारे कमाने वाला मर्द नहीं है, हमारा सर से साया उठ चुका है, मेरे बच्चे यतीम हो गए। नजरीन देखें मेरे बच्चे छोटे छोटे रह गए और मेरे पीछे माँ बाप भी नहीं है, बहन भाई भी नहीं है, अल्लाह के सिवा मेरी दुनिया में और इस औलाद के सिवा मेरा रिश्ता नहीं है। अब मेरी बच्ची जवान है, मैं इसकी शादी करूँगी और मेरे जो कोई हेल्प करे अल्लाह ताला साजर देवी, और जिसने मैंने जगह लेके दी और दो रूम बना के दिए ना, अल्लाह ताला उन्होंने जो अरशा दी रोजियाँ नसीब करे, और जो आप मेरी मदद करेंगे ना आपकी बेहद में शुक्रगुजार होंगी, अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगी, अल्लाह ताला तुहानू बहू देवी आमीन। तो नाजरीन ये फैमिली दरअसल बलूचिस्तान से यहाँ पे ना जाने कितने सालों से रह रही है, अब इनका यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं है, अब अकेली तन तना इस बस्ती में जहाँ पे ये मौजूद हैं, बस्ती के लोगों ने मिलके जिसने फैमिली ने इनके साथ तावन किया है, इनको रूम दो बनवा के दिए, साथ साथ जो है ना प्लाट भी लेके दिए, चार दीवारी बाउंड्री करा दी है, इज्जत के साथ वो अंदर बैठे हैं, लेकिन खाना तो है ना, खाना तो है ना, वो कहाँ से खाए? अब ये बच्चे छोटे हैं आपके सामने, वो बच्चे दोनों और ये बच्ची जवान जिसकी इन्होंने शादी का जिक्र किया करनी है, इनके पास वो सेल नहीं है, खाना भी चाहिए, बच्चे ये खुराक मांगते हैं। अभी ये पश्तो में पता नहीं क्या बोलो, क्या पश्तो में क्या बोला इसने, ठीक है तो मुझे धूप लग रही है, गर्मी लग रही है। देखें जी धूप लग रही है, गर्मी लग रही है, दरअसल वाकई ऐसा ही है, क्योंकि रूम के अंदर बनाए तो लाइट नहीं है यहाँ पे, और उसकी वजह से कि अपना अंधेरा होता है इसलिए वीडियो नहीं बन सकती, बाहर ही बिठा के हम वीडियो बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, हम आपको इनके रूम भी दिखाएंगे इंशाल्लाह सारे, तो इनके साथ आप लोगों ने भरपूर सपोर्ट करनी है अल्लाह की रजा के लिए। नाज़रीन देखें इन बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कराहटें हैं, इन्हें क्योंकि गम का मालूम नहीं है, इनके वाले साहब इस दुनिया फानी से जा चुके, दरमियान में जो सफ़ेद लपटे वाली बच्ची है वो जवान है, इनके साथ वालदा भी मौजूद है, दो बहनें दो भाई, ऐसे बाजी जी। और इनका जो किचन की सूरत हाल है हम आपको वो भी दिखाते हैं, ये देख लें कि किस तरीके ये ज़िंदगी बसर करते हैं, ये ढपरा टाइप अपनी माँ का, बारिश जैसे ये बादल देख रहे हैं आप आसमान पर आए तो बारिश का कोई तहफ़ नहीं, इनके रूम तो बन चुके हैं, ये किसी ने इनको बनवा के दिए हैं, किसी ने बनवा के दिए हैं, इनके पास दो रूम मौजूद हैं और रूम से नीचे काफ़ी बर्ती आनी है, यहाँ पे ये ऊँचे हैं और काफ़ी बर्ती आनी है और इनके दरवाज़े तक भी बर्ती की ज़रूरत है, और ये लोग जो है आपके तावन के मंतज़र हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए इनकी सपोर्ट करें। ये बच्चे जो तीनों छोटे हैं पढ़ते भी हैं स्कूल, और ये जो माँ की गोद में जो बच्चा है इसके बारे में बाजी बताएं जरा, क्या आप कह रहे हैं? बहुत हर टाइम बीमार रहता है, अभी भी बीमार है, इसको टाइफाइड बुखार ज़्यादा हो जाता है, नमोनिया हो जाता है, ये बहुत बीमार रहता है, इसके दवाई के इलाज के लिए पैसे भी बड़ी ज़रूरत होते हैं, खर्च होते हैं, फिर हम छोटे मोटे सरकारी अस्पतालों में जाके दवाई ले लेते, हमारे पास पैसे इतने नहीं होते जो हम इसकी दवाई करें छोटा। नाज़रीन ये इनके रूम रहे सामने दोनों, ठीक है जी, एक पल्ली तरफ दरवाज़ा और ये वाला सामना, और पश्तो में पता नहीं क्या बोला भाई ने अपनी बच्ची को, और क्या आगे देखो, अच्छा अच्छा आगे देखो जी, मैंने क्या इधर देखो उधर देख रही है ना, चले अल्लाह खुश रखे, हमारी जबान पश्तो है, हम पख्तून जबान बोलते हैं, ठीक ठीक।
तो नाज़रीन ये फैमिली आपके सामने हमने इनकी सूरत हाल आपसे शेयर की है। ये देख रहे हैं इनके रूम बने हुए हैं माशाल्लाह, दोनों आपको हमने दिखा दिए और इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल दे दी। इनके साथ आप लोग ने भरपूर सपोर्ट करनी है। तो नाज़रीन आप इनकी सूरत सुन रहे थे, देख रहे थे, इनके लिए एक तो राशन की ज़रूरत है हर वक्त, क्योंकि हम चाहते हैं महीने के हिसाब से इनको राशन फराम करें या पैसे फराम करें ताकि ये अपनी ज़िंदगी आसानी से बसर कर सके। दूसरा, इनकी बच्ची की शादी के लिए जो बाजी ने बात की है वो शादी करना चाहती है ताकि उसका बोझ इनका हल्का हो जाए। बोझ क्या है, यानी कि ये फ़र्ज है, सुन्नत तरीका है, इस्लामी तरीका है, इसको अदा करना है ताकि अपनी बेटी को ये रुखसत कर सकें। बहन इंशाल्लाह आप घबराए ना, परेशान ना, अल्लाह ने चाह तो ज़रूर आपकी हेल्प होगी। जो हो सकेगा हमारे ऑडियंस देख रहे हैं, अल्लाह सुन रहा है, वो जिस मालिक ने आपको ये घर भी दिया है, तोहफा दिया है, ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा इनाम है इसके जिन्होंने दिया है। नाज़रीन मैं तो यकीन जाने में इनसे ही सुना है, इन्होंने सच बोला, इन्होंने ही बताया है, मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था वो बेवा खतूने वहाँ चलते हैं। अब जब यहाँ पर आए तो ये वाकई बेवा तो हैं, लेकिन घर की सुल्तान इन्होंने बताई है और घर इनके पास जो है ना अपना है माशाल्लाह, जिसने बनवा के दिया है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला उन्हें कौसर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से कौसर से जाम पिलवाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों मुबारक से, और पूरी फैमिली को जिसने इनकी सपोर्ट की उन सबको हमारी दुआ है। इस सिलसिले में आप लोगों ने इनकी भरपूर सपोर्ट करनी है, आपने इनकी वीडियो में तमाम डिटेल देख ली है, इनके रूम भी आपने देख लिए, और अब हम इजाज़त चाहते हैं, बाकी दुआ में याद रखना। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।